और फोल्डर जो तैयार किया है तो वो ये हैं, आपको भी दे दिया जाएगा, मीडिया को भी। ये हमने ये कई पेज का फोल्डर है तो जो हमने तैयार किया है, तो यूपी में ये पूरे 403 विधानसभा में गांव-गांव और कस्बे तक इस फोल्डर को लोगों के हाथों में दिया जाएगा पढ़ने के लिए, ताकि उन्हें ये एहसास हो जाए कि मेरे नेतृत्व में बनी सरकार ने तो यूपी में क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। क्योंकि जब सपा इधर पावर में थी, अब बीजेपी है, तो मेरे ही कार्यों को वो इधर उधर उसके अब शेप बदल के वो तो उसको वो अपने कार्य दर्शाते रहे हैं, जबकि जो मैंने कार्य किए हैं तो मेरे ख्याल आज तक आज़ादी के बाद लंबे अरसे तक इधर कांग्रेस पार्टी पावर में रही, उसने भी नहीं किए, अन्य किसी पार्टी ने भी इतने कार्य नहीं किए हैं इतने कम समय में, और मौजूदा वर्तमान भाजपा सरकार ने भी इतने कार्य नहीं किए हैं। और इस फोल्डर में कोई विस्तार से जानकारी नहीं दी गई है, बल्कि जो मुख्य मुख्य महत्वपूर्ण कार्य हैं उनका वर्णन किया गया है, तो ताकि ये जन जन तक ये मालूम हो जाए कि बीएसपी दूसरी पार्टियों की तरह कोई घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है, कहने में कम कार्य करके दिखाने में ज़्यादा विश्वास रखती है, और ये हमने अपनी 4 बार की हुकूमत में ये सब करके दिखाया है। तो ये फोल्डर आज जारी किया जा रहा है, पूरे प्रदेश में ये फोल्डर जाएगा और लोगों को मालूम हो जाएगा कि हमने क्या कार्य किए, और आगे हमारी सरकार बनती है तो इसी पैटर्न पर फिर से कार्य किए जाएंगे, तो प्रदेश का भी डेवलपमेंट किया जाएगा और जनहित का भी, और जो विभिन्न क्षेत्र में जो लोग काम में लगे हैं, चाहे गरीब है, मजदूर हैं, छोटा व्यापारी है, कर्मचारी है, वकील है, तो या हमारी छात्र हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, सबके हितों में कार्य किया जाएगा जैसे हमने पहले किया था। और ये सब वैसे तो आप लोगों को मालूम है, मीडिया भी मालूम है, लेकिन मीडिया दर्शाता नहीं है, आपकी भी अपनी मजबूरी है, कितना दिखाना है बीएसपी को मैं समझ सकती हूँ, तो आपकी भी अपनी मजबूरी है, लेकिन हमारी भी अपनी मजबूरी है। जब हमें लगा कि आप लोग हमारे कार्यों को बराबर दर्शा नहीं रहे हैं, तो फिर हमें ये मजबूर होकर ये फोल्डर तैयार करना पड़ा है जो जन जन तक ये जाएगा। तो और इसके अलावा मीडिया बंधुओं को इन सब मामलों में विस्तार से जानकारी अलग से प्रेस नोट के जरिए भी दे दी जाएगी। धन्यवाद। कब से शुरू करेगी क्या चुनाव प्रचार? ये चुनाव प्रचार नहीं है तो क्या है? 9 अक्टूबर को लाखों की संख्या में लोग आए थे, वो चुनाव प्रचार नहीं था। इससे पहले 7 सितंबर को पूरे प्रदेश से ब्राह्मण समाज के लोग आए, क्या वो चुनाव प्रचार नहीं था? और ये जो आज मीटिंग बुलाई गई है तो ये भी तो चुनाव प्रचार का ही एक पहलू है। अभी तो मैंने मेरे ख्याल अभी तो सुना नहीं है, जब ये घोषित हो जाएगा तो उसी समय इसकी प्रतिक्रिया दी जाएगी। देखो मैंने 2-3 दिन लगातार इसको लेके ट्वीट किए हैं, तो 3 कृषि कानून तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने वापस ले लिए, लेकिन इनकी और भी कुछ जायज मांगे हैं, तो केंद्र की सरकार को जो किसान संगठन है तो उनके साथ बैठकर उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए, ताकि किसान लोग तो खुशी खुशी से फिर अपने घरों में वापस जाकर तो अपने काम में लग जाएं। केंद्र सरकार से मेरी अपील है, अब इस मामले को ज़्यादा लटकाना नहीं चाहिए, जो भी उनकी जायज मांगे उनको एक एक करके उसको दूर करना चाहिए।